शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई वृद्धि होती है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। उसका ना तो भूत है ना वर्तमान और ना ही भविष्य है। आत्मा तो अजर और अमर है। हेलो दोस्तों, डिवाइन पावर में आप सभी का स्वागत है। डिवाइन पावर, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और गीता के यथार्थ रूप को समझकर अपने जीवन को सरल और सफल बनाओ। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहती है। चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई भी व्यक्ति आत्मा को नहीं खोज पाता तो वह अपनी आत्मा की उपस्थिति में चेतना की उपस्थिति को भी नहीं जान सकता। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जैसे ही होता है आकाश में थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार शरीर में चाहे पशु का हो या पुरुष का, कुछ ना कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु कुछ मनुष्य में चेतनाएं परमात्मा के चेतना से थोड़ी सी भिन्न होती है, क्योंकि जो मनुष्य महान होते हैं उनकी चेतनाएं महान होती है। वो भगवान को अपने नज़दीक पाते हैं। वह भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से पूर्ण होते हैं। सृष्टि में हर एक मनुष्य की चेतना एक स्मरणशील होती है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भगवान के चरणों में तथा शिक्षा प्रकाश का बोध प्राप्त करती है।